हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, चाहे वो रेगुलर में हुआ हो, एनसीएफ में हुआ हो या फिर एसएल में हुआ हो, तो अब हम इस वीडियो में आप लोगों से बात करेंगे आपके सेमेस्टर वन के कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। आपकी जो डिग्री है जिसमें आपने एडमिशन लिया है, इसमें किन किन टाइप्स के सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो, ठीक है, सब्जेक्ट का डिसीजन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें ऐसी होंगी जो सिर्फ रेगुलर वाले बच्चों पर लागू होंगी, और कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो सभी बच्चों पर लागू होंगी, एसओएल हो, एनसीवेब हो या फिर अपना रेगुलर स्टूडेंट हो। तो सबसे पहले, आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन लिया है दोस्तों, ये जो आपकी डिग्री है ये 3 या फिर 4 साल की है। अगर आप इसको 3 साल करके छोड़ देते हो तो आपको नॉर्मल 3 साल की डिग्री मिलेगी। अगर आप फोर्थ ईयर परस्यू करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। आपके लिए 3 साल वाली डिग्री बेहतर है या 4 साल वाली डिग्री बेहतर है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर से देखें, ठीक। थोड़ा सा मोटा मोटा ये समझ लो, जो बच्चा किसी ऑनर्स प्रोग्राम में एडमिशन ले रहा है, अगर वो फोर्थ ईयर परस्यू करता है तो वो किसी दूसरे सब्जेक्ट में माइनर की डिग्री भी ले सकता है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा प्रोग्राम कोर्स में एडमिशन ले रहा है, अगर वो फोर्थ ईयर में जाता है तो वो अपनी डिग्री को ऑनर्स में कन्वर्ट वगैरह ये सब चीज़ें कर सकता है। इसके अलावा फोर्थ ईयर में आपको रिसर्च वर्क, डिसर्टेशन वगैरह इसके ऑप्शन भी दिए जाएंगे। तो सिंपल सी क्लियर कट चीज़ें, अगर आप अपने सब्जेक्ट में ज़्यादा ही एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो फोर्थ ईयर में आप ज़रूर जाना, ठीक है। बाकी डिटेल वीडियो आप लोग देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जैसे कि मैंने कहा, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फोर्थ ईयर में जा रहे हो या नहीं जा रहे हो। इसके अलावा ये जो आपकी डिग्री है, इसमें फर्स्ट ईयर करके अगर आप छोड़ते हो तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल करके छोड़ देते हो तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, ठीक है। और बाकी 3 या 4 साल करके छोड़ते हो तो जो भी आपकी अंडर ग्रेजुएट की डिग्री है वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। नाउ इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम सेमेस्टर वन का कोर्स का स्ट्रक्चर समझेंगे। आपको एक बार कोर्स का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा तो आगे आने वाले सेमेस्टर में सारी चीज़ें आपके अपने आप ही क्लियर होती चले जाएंगी। ना उस सबसे पहली चीज़ दोस्तों, आप लोगों के किसी भी प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया है, सेमेस्टर वन में टोटल 7 सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो, ठीक, 7 सब्जेक्ट्स। अब ये सब्जेक्ट्स किस किस तरह से होंगे ये समझ लीजिए, एबिलिटी इन्हांसमेंट, स्किल इन्हांसमेंट और वैल्यू एडिशनल कोर्स, ये 3 कैटेगरी के एक एक सब्जेक्ट आप पढ़ोगे जिसके 2-2 क्रेडिट्स होंगे, ठीक। और इसके अलावा 1 सब्जेक्ट आप जनरल इलेक्टिव का पढ़ोगे और 3 सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट, समझ गए। टोटल 22 क्रेडिट्स आपके होंगे सेमेस्टर वन में। अब ये क्रेडिट्स का क्या मतलब होता है, क्रेडिट्स का सिंपली ये मतलब होता है कि जो भी सब्जेक्ट है उसे अगर आप कंप्लीट कर लेते हो, पास कर लेते हो, तो पर्टिकुलर नंबर में उसको मेजर करा जाता है जिसे हम क्रेडिट्स बोलते हैं, ठीक है। तो जो डिसिप्लिन और जेनरिक के सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वो आपके 4-4 क्रेडिट्स के होंगे, और जो AEC, VAC और SAC के सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वो 2-2 क्रेडिट्स के होंगे। बस इतना समझ लो, कोई सब्जेक्ट आपने क्लियर कर लिया डिसिप्लिन का, इसका मतलब ये है कि 4 क्रेडिट्स आपने क्लियर कर लिए, ठीक। और एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में 22 क्रेडिट्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं SAC और VAC के कैटेगरी से। जो बच्चे एसओएल में जिसने एडमिशन लिया है उन्होंने ऑलरेडी अपने सब्जेक्ट्स डिसाइड कर लिए हैं SAC और VAC के, जो भी आपने डिसाइड करा होगा। जो बच्चे रेगुलर और NCVAP के हैं, आपका एडमिशन हो गया, कुछ टाइम बाद आपके कॉलेज द्वारा, आपके कॉलेज के एडमिन डिपार्टमेंट द्वारा फॉर्म भरवाया जाएगा, ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन हो सकता है, उसमें आपसे SAC और VAC के सब्जेक्ट डिसाइड करवाए जाएंगे। यूनिवर्सिटी SAC और VAC में बहुत सारे मल्टीपल सब्जेक्ट्स ऑफर करती है, लेकिन जो आपका कॉलेज है जिसमें आपने एडमिशन लिया है, वो कॉलेज कौन कौन सी फैकल्टी उस कॉलेज के अंदर है, उसके हिसाब से वो SAC और VAC की सब्जेक्ट की चॉइसेस आप लोगों को देगी। और आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से SAC और VAC में कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकती हो, समझ गए। और जैसे कि मैंने कहा, SOL के बच्चे ये सब्जेक्ट चूज कर चुके हैं एडमिशन फॉर्म भरते समय ही, रेगुलर और NCVAP के बच्चे जिस भी कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है उस कॉलेज द्वारा फॉर्म निकाला जाएगा, इसको सब्जेक्ट चूजिंग फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म कुछ भी आप बोल सकते हो, ऑनलाइन या ऑफलाइन निकाला जा सकता है। उसमें आपको SAC और VAC के सब्जेक्ट चूज करने होंगे, जो
फर्क नहीं पड़ता उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। दो सब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिए। तीसरा सब्जेक्ट हमारे पास आता है एबिलिटी इन्हांसमेंट का। एबिलिटी इन्हांसमेंट में आप सेमेस्टर वन में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ोगे ये बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जो रूल हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के ये बोलते हैं फर्स्ट ईयर के अंदर, अब जब मैं फर्स्ट ईयर बोल रहा हूँ इसका मतलब सेमेस्टर वन और टू दोनों हैं, तो फर्स्ट ईयर के अंदर एबिलिटी इन्हांसमेंट की कैटेगरी में एक तो EVS सब्जेक्ट सभी बच्चों को पढ़ना मैंडेटरी है, और उस EVS सब्जेक्ट के अलावा एक लैंग्वेज का सब्जेक्ट आप पढ़ोगे, कोई इंडियन लैंग्वेज, इट में भी हिंदी, इट में भी बंगाली, इट में भी उर्दू, पंजाबी, आसामी, तेलुगु, तमिल, एनी ऑफ द लैंग्वेज विच यू हैव स्टडीड इन योर स्कूल। ठीक, तो जो AEC की कैटेगरी है उसमें कुछ कुछ बच्चों के पास सेमेस्टर वन में EVS होगी और कुछ कुछ बच्चों के पास कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा। लैंग्वेज का ए पार्ट पढ़ोगे अगर वो लैंग्वेज क्लास 12 तक पढ़ी है, लैंग्वेज का बी पार्ट पढ़ोगे अगर वो लैंग्वेज क्लास 10 तक पढ़ी है, और अगर 8 क्लास तक वो पर्टिकुलर लैंग्वेज पढ़ी है तो उस लैंग्वेज का सी पार्ट आप पढ़ोगे। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास इंडियन लैंग्वेज में एक से ज़्यादा लैंग्वेज होती है, हिंदी भी है उनके पास, पंजाबी भी है, तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप हिंदी चूज़ करो या पंजाबी चूज़ करो। ठीक, तो ये जो तीसरा सब्जेक्ट है AEC, इसमें अगेन SOL के बच्चे तो सब्जेक्ट चूज़ कर चुके हैं फॉर्म भरते समय, और जो रेगुलर के बच्चे हैं उन्हें चॉइसेस दी जाएगी कि अगर आप EVS ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई लैंग्वेज आप ले सकते हो। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो AEC की कैटेगरी है फर्स्ट ईयर में कॉम्बिनेशन ऐसा ही चलेगा, या तो आप सेमेस्टर वन में EVS पढ़ोगे या सेमेस्टर टू में, या इसका उल्टा कर दो, या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज पढ़ोगे या सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है, ये दोनों ही कॉम्बिनेशन चलेगा। कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जो सेमेस्टर वन में आपसे कहेंगे कि नहीं जी EVS ही हम आपको सेमेस्टर वन में दे रहे हैं, लैंग्वेज सेमेस्टर टू में देंगे, या कुछ कुछ कॉलेजेस ऐसे होंगे जो कहेंगे हम आपको सेमेस्टर वन में लैंग्वेज दे रहे हैं, सेमेस्टर टू में EVS देंगे। ये कॉलेज के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है रेगुलर या NCERT में। SOL वाले बच्चों ने तो चूज़ कर ही लिया। इसके बाद बारी आती है हमारी जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट की। अच्छा, जेनरिक इलेक्टिव से पहले हम डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। आपने जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, जिस भी स्ट्रीम में एडमिशन लिया है, उस स्ट्रीम से रिलेटेड 3 मेन सब्जेक्ट्स आप पढ़ने वाले हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने BCom ऑनर्स में एडमिशन लिया है या BCom प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो कॉमर्स से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, जिसमें आई थिंक फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो सकता है, बिजनेस लॉ हो सकता है, या एक आधा सब्जेक्ट और हो सकता है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये सभी बच्चे कॉमन रहेंगे, सभी बच्चों के फिक्स्ड रहेंगे, सेम रहेंगे। एक्सेप्शन है इसमें, अभी बताने वाला हूँ क्या एक्सेप्शन है। अगर मान लीजिए आपने किसी BSc प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, 3 डिसिप्लिन जिसमें चूज़ करने होते हैं, जूलॉजी, बोटनी, बायोलॉजी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। कोई कोई बच्चा कुछ और 3 सब्जेक्ट ले रहा है, किसी के पास जूलॉजी, बोटनी और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन है, या किसी के पास जूलॉजी, बोटनी या फिजिक्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। सब्जेक्ट्स में गलत बोल सकता हूँ कॉम्बिनेशन में, बट मेरे कहने का मतलब ये है कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स थोड़ा अलग है, वो बात है सारी। तो 3 सब्जेक्ट होंगे वो, अगेन अगर आपने किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जिसमें मल्टीपल डिसिप्लिन है तो वो आप कॉलेज में जाकर चूज़ करोगे, और आपने किसी ऐसे प्रोग्राम में एडमिशन लिया है जैसे BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, या इवन BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, ये ऑनर्स के प्रोग्राम है, इनका मतलब ये है जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स कर रहे हो उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड 3 सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ने वाले हो। तो ये 3 डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर सब्जेक्ट इन्हें कहते हैं। BA प्रोग्राम में अगर आप एडमिशन लेते हो तो इसमें 2 डिसिप्लिन आप चूज़ करते हो, लेकिन यहाँ तो 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, तो जो 3 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे वो उन्हीं 2 डिसिप्लिन से रिलेटेड होंगे। जैसे मान लीजिए आपने पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री का कॉम्बिनेशन में एडमिशन लिया है BA प्रोग्राम में, तो अब आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री दोनों में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसके आप 2 सब्जेक्ट पढ़ोगे और बचे हुए का 1 सब्जेक्ट पढ़ोगे, जिसको मेजर और माइनर बोला जाता है। अब अगेन वही बात आएगी, जो ऐसे प्रोग्राम हैं जिनमें फिक्स्ड सब्जेक्ट हैं सभी बच्चों के, जैसे ऑनर्स हो गया, BA ऑनर्स, BSc ऑनर्स, BCom या BCom ऑनर्स, उसमें तो सब्जेक्ट चूज़ करना ही नहीं है, सबके पास कॉमन है, और जिसमें चूज़ करने की बारी आएगी वो आपसे चूज़ करवा लिए जाएंगे आपके कॉलेज में। और अगेन
SOL का जो स्टूडेंट है वो तो चूज कर ही चुका है फॉर्म भरते समय, समझ गए। ये सारी कहानी है डिसिप्लिन सब्जेक्ट की। इसके बाद एक आपका सब्जेक्ट लास्टली आता है। अच्छा, डिसिप्लिन के तीन सब्जेक्ट होंगे, 12 क्रेडिट्स होगा इसके, और दो दो क्रेडिट्स मैंने आपको AEC, SAC और WACS के गिनवा दिए, तो 12+6=18 क्रेडिट होगा। और एक आपका जेनरिक सब्जेक्ट है जो कि 4 क्रेडिट्स का है। अब जेनरिक इलेक्टिव का क्या मतलब होता है दोस्त? जेनरिक इलेक्टिव का मतलब होता है जिस स्ट्रीम में आपने एडमिशन लिया है उसके अलावा किसी दूसरे स्ट्रीम का सब्जेक्ट पढ़ना। जैसे आपने बी ए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में अगर एडमिशन लिया है तो जेनरिक इलेक्टिव में आप पोल साइंस के अलावा दूसरे किसी सब्जेक्ट को आप पढ़ोगे, ठीक। जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉमर्स हो गया। सिमिलरली बीकॉम में अगर आपने एडमिशन लिया है तो किसी और डिसिप्लिन का आप सब्जेक्ट पढ़ोगे। ये जेनरिक इलेक्टिव के रूल हैं। इस रूल के अंदर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो आपको पता होनी चाहिए। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ सिर्फ BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम वाले बच्चों के लिए है। BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम वाले जो बच्चे हैं उनका एक रूल है जेनरिक इलेक्टिव का, जो कि लागू होता है फर्स्ट ईयर में भी सेकंड ईयर में भी। वो रूल ये है कि जेनरिक इलेक्टिव के अंदर जो BA प्रोग्राम और BCom प्रोग्राम वाले बच्चे हैं वो कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एक सेमेस्टर में कोई इंडियन लैंग्वेज और एक सेमेस्टर में कोई नहीं एक सेमेस्टर में कोई इंडियन लैंग्वेज और एक सेमेस्टर में इंग्लिश, समझ गए। तो जो प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनको जो अदर पूल हैं लाइक हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें, इनमें से जनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा। उन्हें एक लैंग्वेज पढ़नी होगी, इंडियन लैंग्वेज, और एक इंग्लिश पढ़नी होगी। अब वो आप सेमेस्टर वन में इंग्लिश पढ़ रहे हो या सेमेस्टर टू में, या सेमेस्टर वन में लैंग्वेज पढ़ रहे हो या सेमेस्टर टू में, अगेन वो आपके कॉलेज द्वारा आपसे डिसाइड करवा लिया जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन है BA प्रोग्राम में। अगर आपने BA प्रोग्राम में एडमिशन लिया है किसी लैंग्वेज के कॉम्बिनेशन में, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास जेनरिक इलेक्टिव में लैंग्वेज तक आपको सीमित नहीं रखा जाएगा, और भी सब्जेक्ट के चॉइसेस आपको दिए जाएंगे, ठीक। बाकी जब आप कॉलेज में जाओगे, एंट्री लोगे, फॉर्म वगैरह आपसे भरवा ली जाएंगे, वहाँ पर सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको बताई जाएंगी। NC वेब हो या रेगुलर हो, और SOL वाले बच्चों ने तो चूज़ कर ही लिए ये सब्जेक्ट। ये सारा कोर्स का स्ट्रक्चर है आप लोगों का। अब बात ये आएगी कि आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह हैं वो कैसे होते हैं। जो रेगुलर और NCF का बच्चा है उसके उसी सेंटर में, उसी कॉलेज में एग्ज़ाम्स होंगे। एग्ज़ाम्स आपके जनवरी में कंडक्ट होंगे। जो आपके 4 क्रेडिट्स वाले सब्जेक्ट हैं इनका पेपर 90 नंबर का आता है, और जो छोटे सब्जेक्ट हैं AEC, SAC, WACS, इनका पेपर 90 नंबर का नहीं आता, कम मार्क्स का आता है। किसी किसी का 30 का आ रहा है, किसी किसी का 60 का आ रहा है। वो पता चलेगा कि आपका सब्जेक्ट अगर 2 क्रेडिट्स का है तो कितने क्रेडिट्स उसमें थ्योरी में लग रहे हैं, कितने प्रैक्टिकल में लग रहे हैं, ठीक है। वो सिलेबस आप देखोगे ऊपर लिखा रहता है, ठीक है। सेमेस्टर वन में आपको बस कन्फ्यूज़न रहेगी, वो चीज़ आप समझ लोगे एक बार, अगले सेमेस्टर से आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। मैं इस चीज़ को डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ अभी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है, आप उसको अभी फिलहाल समझ नहीं पाओगे, उसको बाद में किसी पैटर्न वगैरह के अंदर हम समझाएंगे, ठीक। तो बाकी SOL के जो बच्चों के एग्ज़ाम्स रहेंगे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में ही होंगे, ठीक है। और बस यही कहानी है। रेगुलर और NCWEB वाले बच्चों को एग्ज़ाम फॉर्म भरना होगा, जो कि एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले निकलेगा, नवंबर के आसपास वो फॉर्म निकल सकता है। लेकिन SOL के बच्चे को कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म नहीं भरना, उसने एडमिशन के साथ ही एग्ज़ाम फीस पे कर दी है, उसे सिर्फ एग्ज़ाम देना है डायरेक्टली, उससे पहले उनके एडमिट कार्ड आ जाएंगे। दिल्ली में ही एग्ज़ाम होंगे, SOL के स्टूडेंट के ही DU के कॉलेजेस में ही एग्ज़ाम्स होंगे, ठीक। जो रेगुलर और NCWEB के बच्चे हैं वहाँ पे अटेंडेंस मैंडेटरी है। अब मैं थर्ड चीज़ आपको नहीं बताऊँगा कि ऐसे कर लेना तो वैसा हो जाएगा, अपना अंडरटेकिंग दे देना कुछ अटेंडेंस का, मेडिकल दे देना, वो चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ। फिलहाल मानकर चलिए 67% आई थिंक अटेंडेंस है, जो कि मैंडेटरी होती है, आपको 67% क्लासेस अटेंड करनी ही है। और अटेंडेंस के भी मार्क्स लगते हैं, ये तो आपको पता ही है बात। SOL में कोई अटेंडेंस के मार्क्स नहीं लगते, यहाँ अटेंडेंस मैंडेटरी नहीं होती, बिकॉज सिंपल सा रूल है, SOL की क्लासेस सिर्फ दिल्ली में हो रही हैं, और SOL में एडमिशन हर तरह का बच्चा दे रहा है, चाहे वो UP से हो, बिहार से हो, चाहे वो कश्मीर से हो, कन्याकुमारी से हो, ठीक। इसलिए वहाँ पे क्लासेस को मैंडेटरी नहीं रखा जाता। क्लासेस SOL में सिर्फ संडे टू संडे लगती हैं। अब रेगुलर का टाइम टेबल आपका काफ़ी बिजी हो सकता है, आपकी क्लासेस सुबह से लग रही हो, शाम तक चल रही हो, या आपके कॉलेज में क्लासेस आफ्टरनून के बाद 12 बजे शुरू हो रही हो, बहुत ही रेयरली ऐसा होगा। खैर 12 बजे शुरू हो रही है तो 5-6 बजे तक क्लासेस लग रही हैं, 5 बजे तक कम से कम, और इवनिंग का तो खैर क्या ही बोलें,
उनका तो आपको पता ही है क्लासेस कैसे लगती हैं। कुछ इवनिंग कॉलेजेस हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनकी क्लासेस मॉर्निंग में लगती हैं, वो कहने को इवनिंग कॉलेज हैं बट उनकी बिल्डिंग अलग है मॉर्निंग वाले कॉलेज से, तो इवनिंग वालों की भी क्लासेस मॉर्निंग में लगती हैं। कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं, मैं नाम एग्जैक्टली नहीं ले रहा हूँ बिकॉज मैं गलत भी हो सकता हूँ नाम लेने में, लेकिन कुछ एक्चुअल में ऐसे कॉलेज हैं जो इवनिंग के हैं बट उनकी क्लासेस होती हैं मॉर्निंग में, तो ऐसी भी चीज़ें आप लोगों के साथ हो सकती हैं। ठीक, बाकी यही सब था दोस्तों। बाकी शायद हो सकता है आपके मन में स्कॉलरशिप का सवाल आए, स्कॉलरशिप मिलती है कॉलेज वाइज, स्कॉलरशिप निकलती जाती है फॉर्म, वो आप कॉलेज में ही पता चलेगा, एसओएल की भी निकलती है, वो जब टाइम आएगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल दोस्तों यहीं तक इस वीडियो को रखते हैं हम लोग, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कुछ क्वायरीज हो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।